हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। बिकॉज़ गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों की जो फर्स्ट सेमेस्टर या फिर आपके थर्ड सेमेस्टर की जो डेट शीट है 2020 एंड 21 की, वो आ चुकी है। एंड गाइस, ये जो डेट शीट है ये आप लोगों की फाइनल डेट शीट है। गाइस, इससे पहले जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डेट शीट से रिलेटेड बनाई थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जो आपकी पहले वाली जो डेट शीट थी वो टेंटेटिव थी। लेकिन गाइस, मैंने आप लोगों को ये चीज़ भी बताई थी कि 90% केसेस में जो टेंटेटिव डेट शीट होती है उसी को फाइनल डेट शीट बना दिया जाता है। सो गाइस, अब आपकी फाइनल डेट शीट आ गई है। एंड गाइस, इस डेट शीट के अंदर अब कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं एंड ना ही अब इसके अंदर कोई चेंजेस होंगे। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपके चारों कोर्सेज की डेट शीट अवेलेबल है। आप लोग अपने कोर्स के अकॉर्डिंग जाकर डेट शीट देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, फटाफट से हम भी देख लेते हैं एक डेट शीट को ओपन कर कि बेसिकली आपका कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है। सो गाइस, यहाँ पर मैं BA प्रोग्राम की डेट शीट आपको दिखाने वाली हूँ। तो गाइस, ये डेट शीट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो मैं डायरेक्ट आपको डेट शीट के ऊपर लेकर चलती हूँ। सो गाइज, यहाँ पे हम आ चुके हैं आपके SOL की डेट शीट के ऊपर। एंड गाइज, ये BA प्रोग्राम की डेट शीट है। तो गाइज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी लैंग्वेज वाले जो कोर्स हैं, यानी कि जो आपकी एबिलिटी इन्हेंसमेंट वाले कोर्स का जो सब्जेक्ट है, यानी कि AECC वाले, वो उसका जो एग्ज़ाम है वो है आपका 15 मार्च को। एंड गाइज, आप लोग यहाँ पे टाइमिंग भी देख सकते हैं, 2:30 से 5:30 है। तो गाइज़, आप लोग देख सकते हैं। एंड गाइज़, आप लोगों का OBE एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। तो गाइज़, OBE एग्ज़ामिनेशन आपको कैसे देना है, क्या करना है, सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए कल लाने वाली हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, उस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा गाइज़, आज आप लोगों के लिए और भी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो गाइज़ उन वीडियोज़ को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अलावा गाइज, आप और भी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम डेट यहाँ पे देख सकते हैं, कब आपका एग्ज़ाम है। एंड इस तरह से गाइज, इसके अंदर थर्ड सेमेस्टर की भी एग्ज़ाम डेट मेंशन है, जैसे कि स्किल इन्हेंसमेंट कैटेगरी का जो सब्जेक्ट है आपके पास, फिर चाहे आपके पास अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट हो, 17 मार्च को होने वाला है गाइज, या फिर आपके पास रिसर्च चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया हो, इसका एग्ज़ाम भी आपका 17 मार्च को होने वाला है गाइज़। तो गाइज़, ये आप लोगों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। सो गाइज़, देखिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए आप लोग। आई नो गाइज़, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हुई है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। गाइज़, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, जो कि आप लोगों की टेंशन को थोड़ा सा कम करेगी। एंड गाइज, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तो चलिए गाइज, आप लोग आगे के एग्ज़ाम्स को भी इस तरीके से यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा गाइज, जो आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, यानी कि जो आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट है 1200 से 1700, इसका जो एग्ज़ाम है गाइज, ये होने वाला है आपका 24 मार्च को। तो गाइज, 24 मार्च को आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है BA प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स का। पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम भी गाइज आप लोगों का होने वाला है। एंड गाइज, आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपने सारे एग्ज़ाम्स को देख सकते हैं यहाँ पर। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आपकी डेट शीट अच्छे से समझ आ गई होगी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।